भाजपा मंडल चंबा की ओर से रविवार को भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के उपलक्ष्य पर मुख्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता पूर्व सदर विधायक पवन नायर ने की। इस दौरान लखदाता पार्क स्थित बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धासुमन अर्पित किए। पूर्व सदर विधायक पवन नायर ने बाबा साहेब की जीवनी पर प्रकाश डाला। उन्होंने बाबा साहेब के द्वारा समाज कल्याण के लिए किए कार्यों पर भी जारी दी। इस मौके पर नगर परिषद चंबा की अध्यक्ष नीलम नायर, उपाध्यक्ष सीमा कश्यप, पार्षद निशा बड़ियाल, देवेंद्र शर्मा, भाजपा मंडलाध्यक्ष चंबा महाराज कृष्ण बड़ियाल, प्रदेश भाजपा कार्यसमिति सदस्य जय सिंह, पूर्व जिला भाजपा प्रधान जसबीर नागपाल, देवेंद्र शर्मा व आशीष धवन आदि मौजूद रहे। बाबा साहब अम्बेडकर जी की आज पुण्य तिथि है। उनका जन्म 1891 में महुआ मध्य प्रदेश में हुआ था और बचपन से ही बड़ी कुशाग्र बुद्धि के मालिक थे। जब ये पढ़ाई कर रहे थे तो इनकी प्रतिभा को देखते हुए गायघाट तृतीय जो थे राजा, उन्होंने इनको स्कॉलरशिप दिया और उनके स्कॉलरशिप के माध्यम से इन्होंने अपनी उच्च शिक्षा प्राप्त करी और लॉ की डिग्री प्राप्त करी। 1924 में ही इन्होंने दलित महा अखिल भारतीय दलित महासंघ का संगठन किया। उस संगठन में, उस एसोसिएशन में उस समय दो ब्राह्मण उपाध्यक्ष भी बनाए जिन्होंने इनका पूरा साथ दिया और उस संगठन ने भारत में दलित वर्ग को एकत्रित किया। एक समय ऐसा भी आया था कि जब कुछ लोगों ने उन ब्राह्मणों पे उंगली उठाई थी, लेकिन बाबा साहब ने उन्हें ये कहकर चुप करवा दिया था कि इन लोगों के संघर्ष को देखते हुए मैं इन्हें अपने साथ ही रखूंगा। और उन्होंने उच्च स्वर्ण वर्ग के बहुत से लोगों को भी इस महासंघ के साथ जोड़ा। बाबा साहब जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तो उसमें लॉ मिनिस्टर बने और 1956 में ये स्वर्गवास इनका हुआ। लेकिन बहुत से संगठन, जिस संगठन के साथ ये जुड़े थे या जिस पार्टी के साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने इनकी प्रतिभा को कभी मान्यता नहीं दी। बाबा साहब को भारत रत्न का जो परितोषी अवार्ड है वो भाई नरेंद्र भाई मोदी ने अपने कार्यकाल में दिया और मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने इस इतनी विराट और सक्षम प्रतिभा को इस सम्मान के साथ सम्मानित किया। मैं बाबा साहब अम्बेडकर जी के इस पुण्यतिथि पर उन्हें कोटि कोटि श्रद्धांजलि देता हूँ और आशा करता हूँ कि उनके मार्ग बताए हुए मार्ग पर चलते हुए हम लोग कार्य करेंगे और अनुसूचित जाति के साथ कोई भेदभाव न रखते हुए उन्हें अपने साथ जोड़ेंगे।